हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं गजेंद्र कुमार वर्मा आज आपके लिए एक नया प्रैक्टिकल लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि क्या है, हमारे जो पड़ोस में है एक दुकान, उसमें अभी कुछ दिन पहले आग लग गई थी। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैं ऐसे देखा कि ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे कि हम आग लगते ही हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल जाए और हम तुरंत ही उस आग पर काबू पा सके। तो उसी को देखते हुए मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपके लिए लेके आ गया हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो, मेरे पास यहाँ पे एक नियॉन बल्ब है, एक यहाँ पे बजर है और यहाँ पे एक चार्जर है, जिसकी मदद से मैं एक ऐसा फायर अलार्म सिस्टम बना दूंगा कि जैसे ही इसको थोड़ी सी भी ऊष्मा मिले, थोड़ा सा भी ताप मिले, ये हमारे को तुरंत इंडिकेट कर दे कि हमारे आसपास पे कहीं पे इतनी ऊष्मा बढ़ गई है, इतनी आग लग गई है, जो कि हमारा अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो गया। तो हमारे को जल्दी से जल्दी उस पर काबू पाना है। तो फ्रेंड, चलते हैं और इसके कनेक्शन करके देखते हैं किस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। फ्रेंड्स, इनके जो कनेक्शन है वो किस प्रकार से करेंगे कि जो हमारे पास चार्जर है और एक ही बजर है और यहाँ पे नियॉन बल्ब है, तो इन तीनों को हम कुछ श्रेणी के अंदर कनेक्शन करेंगे और इसका जो सर्किट डायग्राम है वो आपको साइड के अंदर दिख जाएगा कि किस तरीके से ये कनेक्शन हो रहे हैं। तो इसके पहले मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो इसके जो कनेक्शन है वो किस प्रकार से किए हैं। यहाँ पे ये व्हाइट और ब्लैक तार दिख रहे होंगे, ये हमारे चार्जर के हैं। तो यहाँ जो व्हाइट तार है वो पॉजिटिव है, जो सीधा हमारा जा रहा है बजर के अंदर, और बजर का जो नेगेटिव तार है वो जा रहा है नियॉन बल्ब के अंदर, और नियॉन बल्ब से वापस डीसी का जो हमारा चार्जर है उसका नेगेटिव सीधा यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ये पूरा सर्किट हो गया श्रेणी के अंदर। अब फ्रेंड्स, होगा क्या, जैसे ही नियॉन बल्ब यहाँ पे कोई भी आग लगती है और ये गर्म होता है, तो इसके अंदर बायोमेट्रिक पत्ती है दो, जो आपस में गर्म होके और पिघलेगी और टच होगी। जैसे ही टच होगी, यहाँ पे हमारा जो अलार्म सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। करते हैं इसकी टेस्टिंग और देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। इस फ्रेंड्स, इसमें हम पहले चार्जर को कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं एक मोमबत्ती ले लिया हूँ एक तरीके से फायर के तौर पे, और यहाँ पे मैं इसको एक बार जला लेता हूँ। ये फ्रेंड्स एक छोटा सा डेमो है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक आग लग रही है और मेरे पास ये जो सर्किट है वो तैयार है। ये सर्किट 24 घंटे ऑन रहेगा और जैसे ही इस सर्किट के ऊपर तापमान पड़ता है, जैसे ही गर्म होगा और यहाँ पे बजर एक्टिवेट हो जाएगा। देख सकते हो फ्रेंड्स, जैसे ही गर्म हुआ और गर्म होते ही यहाँ पे हमारा जो बजर है वो एक्टिवेट हो गया है। अब जैसे ही अपनी आग वापस बुझ जाएगी और जैसे ही हमारे जो नियॉन बल्ब है वो ठंडा हो जाएगा, बायोमेट्रिक पत्तियां जो दूर दूर हो जाएगी और हमारा जो बजर है वापस से ऑफ हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा छोटा सा फायर अलार्म सिस्टम। एक बार फिर से हम इसकी टेस्टिंग करके देख लेते हैं। फ्रेंड, जैसे मेरे पास वापस ये आग लग रही है और इसको हम करते हैं गर्म, और जैसे हमारा नियॉन बल्ब गर्म होगा और यह अलार्म सिस्टम वापस एक्टिवेट हो जाएगा। देख सकते हो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कैसे हम 5-10 रुपए के प्रैक्टिकल से, ये 5-10 रुपए के इक्विपमेंट से लाखों रुपए की चीज़ है। जैसे आग, जहाँ पे आग लग सकती है, दुकान हुई, फैक्ट्री हुई, वहाँ से हम इसको लगाकर और आग से बच सकते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग प्रैक्टिकल्स और बहुत सी सेफ्टी गैजेट है वो मैंने अपने प्लेलिस्ट जो हमारे प्रोजेक्ट के नाम से है और एक प्रैक्टिकल के नाम से है उनमें बना के रख रखी है आपके लिए। तो आप जाइए और विजिट करके जल्दी से जल्दी वीडियो देखिए। तो लिंक उनका मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।